हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन के थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स आई हैं, यानी कि करंट ओवरऑल एनर्जीज इनकी बनी हुई हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स। तो ज़रूर गाइस, जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया ही था कि आपके मैस्कुलिन किसी एक ऐसी विश की थिंकिंग में बने हुए हैं जो कि इनके लिए इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू नो, कुछ चीज़ें अगर मिराकुलस वे में इनके लिए होती हैं तभी शायद कुछ मुमकिन हो सकता है इनकी लाइफ में। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट होंगी, और ये विश कर रहे थे कि वो चीज़ें इनके फोरफ्रंट पर आए। और यहाँ पर भी मैं एग्जैक्टली यही सिनेरियो देख रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में कभी एंडिंग वर्ड्स डिस्कस हो चुके थे, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को कह दिया था, गुड बाय वर्ड्स कह दिए थे, तो अगर वापस से अगर किसी ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया था, ट्राई किया था कि इस कनेक्शन को मेंड किया जाए, अगर वो पर्सन आप हो, अगर आपने दोबारा से एक सेपरेशन के बाद इनिशिएटिव लेकर इनसे दोबारा से कांटेक्ट करने की अगर कोशिश की है गाइस, तो हो सकता है आपके मैस्कुलिन ने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये किंग ऑफ कॉइन्स एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। इन्हें पता है कि ये अपने ज़िंदगी के कई सारे एरियाज़ में हेल्पलेस हैं, चाहकर भी ये आपको हाँ नहीं कह सकते अभी राइट नाउ, लेकिन ना भी नहीं कह रहे हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड आप ये देख सकते हो कि आपके मैस्कुलिन इसलिए ना नहीं कह रहे हैं क्योंकि शायद ये अपने उन सारे थॉट्स को, उन सारे इंटेंशंस को बदलना चाहते हैं। जब कोई इंसान अगर मना करना चाहता है तो वो स्ट्रेटली मना कर देता है। अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी इंसान को अगर किसी रिलेशनशिप में स्टेप इन नहीं करना होता है तो वो स्ट्रेटली मना कर देता है, और उसके अप्रोच से भी आपको पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट शोइंग द इंटरेस्ट एट ऑल। फाइन, और वो आप लोगों के लिए एक स्ट्रेट इशारा होता है कि आपको वहाँ से वॉक अवे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसा सिनेरियो आप देख रहे हो जहाँ पर आपके पर्सन ना तो आपको हाँ कहते हैं या फिर ना ही मना करते हैं, तो देर इज़ समथिंग गाइस, और वो चीज़ ज़्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ लीड हो रही होती है। वहाँ पर ज़्यादातर आंसर होता है हाँ, राइट। जब ये मना नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है आंसर? एक हाँ की तरफ ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक लिटरल चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, राइट। तो आपके मैस्कुलिन की एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। इन्होंने अपने माइंड में कोई इंटेंशन बना लिया था कि अब इस कनेक्शन पर शायद काम नहीं किया जा सकता, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है। बट फिर भी आज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में देखा था कि ये विश कर रहे हैं, यूनिवर्स से किसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मिराकुलस वे में चीज़ें इनके लिए शिफ्ट हो जाए। तो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये अभी राइट नाउ हेल्पलेस हैं, लेकिन एक चांस चाहते हैं, यूनिवर्स से एक और मौका चाहते हैं, या फिर एक ऐसी विश कर रहे होंगे कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इस वे में बैलेंस हो जाए कि आपके तरफ ये दोबारा से आगे बढ़ सकें। तो मना करने से पहले ये चाहते हैं कि चीज़ें नेचुरली इनके लिए अनफोल्ड हों। ये यूनिवर्स के साथ इन सारी कन्वर्जेशन में बने हुए हैं कि ये चाहते हैं कि अब इनकी लाइफ में जो भी एक स्टेप लिया जाए वो एक नेचुरल वे में हो। यहाँ पर इनकी तरफ से कुछ भी ये नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने देख लिया कि अपने एंड पर चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी गाइस। यहाँ पर नाइन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं, इट मींस दैट कि ये कहीं स्टक हैं। अगर फाइनेंशियली ये सिक्योर्ड नहीं है तो ये एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। और यहाँ पर क्योंकि द हायरोफेंट वाली भी एनर्जीज हैं, इट मींस दैट अगर इनकी ज़िंदगी में कोई लोग कंट्रोलिंग है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं रिलीजियस वाइज या फिर स्टेटस वाइज, एज डिफरेंस, डिस्टेंस वाइज, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं,
उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करना अगर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और एक वजह फाइनेंसिस हैं, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी में पहले आना चाहेंगे गाइस। इनकी फीलिंग यही है आपको लेकर कि आप के बार आपकी तरफ ये जो भी एक अप्रोच रखें वो फर्म वे में हो। किंग ऑफ कॉइन्स इज अ वेरी सीरियस पर्सन, राइट, जिसके पास एक जस्टिस है और जो हर एक चीज को एक रिस्पॉन्सिबल एंगल से देखता है। और आज हमने देखा भी था कि एम्परर वाली एनर्जीज देखी थी हमने आपके मैस्कुलिन की आउटकम एनर्जीज के लिए, राइट। तो एम्परर भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो भी चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर ही देखता है, उसके पास भी जस्टिस है और वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागता। तो एग्जैक्टली आपके मैस्कुलिन यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। जितनी भी यहाँ पर सेट ऑफ फेमिनेंस हैं, ये एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हैं और ये आपको किसी भी तरह की लीस्ट वे में कोई लाइफ ऑफर नहीं करना चाहते, इसीलिए ये फाइव ऑफ कप्स के एनर्जीज में हैं। ये हेल्पलेस हैं, ये चाहते हैं कि इनके लिए इनकी जिंदगी किसी ऐसी डायरेक्शन में टर्न हो जाए जहाँ पर ये आपके प्रोवाइडर बन सकें, आपके लिए कुछ कर सकें, और तब तक ये आपकी तरफ वो एस ऑफ कप्स प्रेजेंट नहीं कर सकते। इनका एक यहाँ पर लिटरल स्ट्रगल है गाइस, और ये स्ट्रगल किसी भी बात को लेकर हो सकता है क्योंकि द हायरोफेंट वाली एनर्जीज हैं। तो जो कमिटमेंट आप इनसे चाहते हो वो कमिटमेंट आपकी तरफ प्रेजेंट करना एट दिस टाइम इनके लिए डिफिकल्ट होगा, फाइन, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल भी है। तो इन सारी डिफिकल्टीज को आपके मैस्कुलिन धीरे धीरे कॉन्कर कर लेंगे गाइस। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो तो ये इंतज़ार खाली नहीं जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली सीरियस पर्सन फॉर यू, और ये आपको खोकर पछताते हैं। अभी शायद ये अकेले हैं, और अगर आप दोनों सेपरेशन में जा चुके हो, एक ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ है, तो इस ब्रेकअप से ये खुश नहीं है। अगर कमिटमेंट को लेकर ब्रेकअप हुआ है तो शायद ये कोशिश यही कर रहे होंगे गाइस कि आपकी तरफ कोई कमिटमेंट ऑफर कर सकें, और जब तक ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाते तब तक शायद ये आपके साथ इन्हीं एनर्जीज में बने रहेंगे जहाँ पर ये ना तो हाँ कह रहे हैं और ना ही मना कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आप देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड थ्री ऑफ कप्स। तो इन एनर्जीज से मैं एक होप देख रही हूँ, उम्मीद देख रही हूँ, दोबारा से एक गेट टुगेदर यहाँ पर मैं सेंस कर पा रही हूँ। कई सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की लाइफ में अपने मैस्कुलिन की तरफ से आइदर एक कोई एक्शन लिया गया है, ये एक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और कई लोगों के लिए इनडायरेक्ट हो सकता है, और जितने लोगों के साथ भी एक डायरेक्ट एक्शन हुआ है तो वहाँ पर शायद आप दोनों की एक डिस्कशन हुई है या फिर एक मीटिंग हुई है जहाँ पर आप दोनों ने कई सारे चैलेंजेस को डिस्कस किया, कम्युनिकेशन रखा एक दूसरे के लिए, और कैसे अपने गोल्स को अचीव किया जाए, यानी कि आप दोनों का गोल अगर यूनियन है तो उस यूनियन को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस अपने ज़िंदगी में लाने पड़ सकते हैं दोनों ही के, तो वो शायद अगर आपने डिस्कशन रखा है अपने मैस्कुलिन के साथ तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो रही हैं। और जो अदर सिनेरियो, जैसे कि मैंने कहा, अगर इनडायरेक्ट वे में आपने अपने पर्सन से बात की है तो ज़रूर यहाँ पर एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है गाइस। ये इनके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन हुई है, और उस पर्सन से शायद आपको अगर एक नेगेटिव वे में रिस्पॉन्स मिला भी है तो शायद उन सारी बातों में भी एक पॉजिटिविटी छुपी है कि एटलीस्ट वहाँ पर से कोई आपको आइदर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोई जेस्चर मिला होगा अपने पर्सन के बारे में कि व्हाट दे आर अप टू, ये आगे करने क्या वाले हैं, ये शायद आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी। अगर बहुत लोगों के लिए आपने अपने मैस्कुलिन की जो भी एक इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ है किन्हीं म्यूचुअल फ्रेंड से हासिल करने की कोशिश की है तो आपको ज़रूर कुछ पता चला है गाइस, और ताकि आप अपने फ्यूचर गोल्स को उन सारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सेट कर सको, ताकि आप दोनों ही मिलकर उन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर कर सकें। तो ये सिनेरियो मैं देख रही हूँ बहुत सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की लाइफ में
आइदर एक एक्शन आया है या फिर कम्युनिकेशन हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आपको फ्यूचर के लिए क्लैरिटी दे जा रहा है। ओके तो अगर बहुत लोगों के लिए अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ है म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, अगर आप लोगों ने कम्युनिकेट किया है इनडायरेक्ट वेज में, तो उस पर्सन ने आपके मैस्कुलिन को जाकर क्या कहा होगा। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कॉइन्स एंड थ्री ऑफ कॉइन्स। तो वो जो भी म्यूचुअल पर्सन है गाइज, उन्होंने आपके मैस्कुलिन से यही बात कही होगी कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इनका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। और अगर आपके मैस्कुलिन ने पास्ट के किन्हीं ग्रजेस को अपने दिल में लगा कर रखा है, तो इस पर्सन ने उनको जाकर यही कहा होगा कि उन सारी बातों को भुला दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो फेमिनिन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और पैशनेट हैं और आपके लिए कई टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, यू नो। तो ये मैसेज आपके मैस्कुलिन तक पहुंच चुका है आपके बारे में गाइस। और उस पर्सन ने ये भी कहा है आपके बारे में, यहाँ पर थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं, कि वो पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल हेल्पर या प्रोटेक्टर की तरह जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आए, इनसे डिस्कस करें, एक कम्युनिकेशन रखें जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में जब तक एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं होता, तब तक हो सकता है कई सारी चीज़ें इनके लिए भी क्लियर नहीं होंगी, आपके लिए भी क्लियर नहीं होंगी। तो उस पर्सन ने यही सजेस्ट किया है आपके मैस्कुलिन को जाकर कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपके मैस्कुलिन को आपसे बात करनी चाहिए, ताकि चीज़ें फोर फ्रंट पर बहुत ही क्लियर वे में शो हों और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो भी फैसला करना चाहते हो फ्यूचर लाइफ के लिए, वो एक सही वे में आप लोग फैसला कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन इवेंचुअली करते क्या हैं। तो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे शो हो रही है। तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन आपसे शादी ही करना चाहते हैं या फिर एक यूनियन में ही आना चाहते हैं, कि फैमिलीज अगर एक दूसरे से एग्री नहीं हैं तो शायद आपके मैस्कुलिन इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहे होंगे कि ये जो लड़ाइयाँ हैं आपस की, जो एक दूसरे के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे एंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ वाली दोनों ही एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो आपके मैस्कुलिन चाहते हैं कि किसी बात का कोई झगड़ा मिटाया जाए, एक जो इनर स्ट्रगल इनके अंदर भी बना हुआ है, उस इनर स्ट्रगल को फाइनली ये वैनिश कर दें। और अगर आप दोनों की फैमिलीज में अगर नहीं बनती है आपस में, तो कैसे सब कुछ बैलेंसिंग सिचुएशन में लाया जाए, फैमिलीज़ को कैसे कन्विंस किया जाए, ये सारी बातें आपके मैस्कुलिन सोच रहे हैं। लेकिन इनका मेन मकसद आपके साथ एक फोर ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज में आने का है गाइस। इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड मैरिज। तो शायद बहुत लोग यहाँ पर एक मैरिज चाहते हैं, मतलब जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स के साथ ये वाली एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक मैरिड लाइफ को प्रोसीड करें या फिर एक यूनियन में आए। तो अगर इस मैरिज के लिए या फिर इस यूनियन के लिए आप दोनों की फैमिलीज अगर एग्रीड नहीं है गाइस, तो उनको एक अप्रूवल में लाने के लिए आपके मैस्कुलिन हो सकता है कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, इट्स अ कार्ड ऑफ अ न्यू बिगनिंग या फिर एक नई उम्मीद का कार्ड है ये। आपके मैस्कुलिन हो सकता है कई सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, एक डायरेक्शन देख पा रहे हैं, कि जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके मैस्कुलिन यहाँ पर इस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अगर दोनों फैमिलीज के साथ इन्हें कम्युनिकेशन में आना है, तो शायद ये लीड आपके मैस्कुलिन लेना चाहते हैं और दोनों ही से कन्वर्सेशन में आना चाहते हैं, इनकी फैमिली से और आपकी फैमिली से। अगर आपकी फैमिली अग्रीड है, सिर्फ इनकी फैमिली बच रही है, तो शायद ये अपने फैमिली वालों से एक ओपन कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं गाइस, क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो और आपको खोकर इन्होंने शायद काफ़ी ज़्यादा पछताया है। यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज हैं, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इनका कोई बहुत ही बड़ा पैटर्न एंड हुआ है, इनकी लाइफ का कोई साइकिल एंड हुआ है, एक समझ लो एक मेटाफोरिकल जर्नी कह सकते हैं हम, जहाँ पर इन्होंने कई सारी चीज़ों को लर्न किया है, राइट, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आए हैं,
समझ पाए हैं कि आपको खोने का दर्द क्या है, और अगर ये आपको लूज आउट कर जाते हैं इस लाइफ टाइम में तो इनके लिए सबसे बड़ा लॉस होगा गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नीज की यही खासियत होती है कि हम वक्त रहते समझ नहीं पाते कि उस पर्सन की वर्थ क्या है हमारी ज़िंदगी में, और हम उसको खो बैठते हैं। बाद में रियलाइजेशन होती है कि हमने ये क्या कर दिया। तो ऐसी फीलिंग आपके मैस्कुलिन अफोर्ड नहीं करते, वो समझते हैं। शायद इसलिए मैंने कहा कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इनकी डीप लेवल पर अवेकनिंग हुई है, और इसीलिए शायद ये पछताना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में दोबारा से। और इन्हें लगता है कि आप भी अब बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हो, इन्हें खोकर आपने भी कई सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया है। जो भी एक आप दोनों के बीच में एक प्रोटेक्टर या फ्रेंड जो बने हुए हैं, उन्होंने जब आपके बारे में बताया होगा तो आपके चेंजेस के बारे में भी बताया होगा कि आप कितने बदल गए हो। आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, आप में एक शिफ्ट आया है, एक बिल्कुल मैच्योर लेवल पर आप बात कर रहे थे। तो ऐसा अगर सिनेरियो है गाइस, तो आपके मैस्कुलिन जानते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इस कनेक्शन के लिए फाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अब फाइट नहीं करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे, और ये बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहते गाइस। और जो आज हमने एनर्जी थीम में यूनिवर्स की तरफ से जो साइन देखा था, ट्रुथ बी टोल्ड वाली एनर्जीज वहाँ पर अपीयर हुई थी, राइट? तो वो कार्ड भी यही कहता है गाइस कि यूनिवर्स आपसे यही कन्वे करना चाहता है कि आपके मैस्कुलिन फाइनली उस एक्सेप्टेंस में आएंगे। अगर चीज़ें इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल थी, डिफ़िकल्ट थी, तो शायद उन सारी इम्पॉसिबल चीज़ों में भी एक पॉसिबिलिटी देख सकेंगे, एक न्यू होप, एक न्यू उम्मीद में आएंगे गाइस। और शायद इन्हें यूनिवर्स की तरफ से एक अननोन वे पे सपोर्ट मिलेगा, भले ही लोगों की शक्ल में या फिर इनके माइंड में ऑल ऑफ अ सडन कोई आइडिया ऐसा आ जाएगा कि इन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए सारी चीज़ों को मेंड करने के लिए, समझ पाएंगे, राइट? तो इनका जो एक स्ट्रगल है ना, इनर स्ट्रगल या फिर माइंड एंड हार्ट वाला स्ट्रगल, इवन अगर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कई सारे लोगों की फैमिली लाइफ्स में भी एक स्ट्रगल बना हुआ है, तो उन सारे स्ट्रगल को ये इवेंचुअली एंड कर सकेंगे। क्योंकि जो लास्ट कार्ड यहाँ पर आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस कार्ड इज गिविंग यू द राइट होप गाइस। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक उम्मीद दोबारा से अपीयर हुई है, आपके मैस्कुलिन के लिए भी, कि जो इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं वो अब पॉसिबल होने लगेंगी, और वो भी एक मिरेकुलस वे में। तो यूनिवर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा आप दोनों ही के लिए, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड टाइमिंग आपके लिए या फिर आपके मैस्कुलिन के लिए। ये एक रिवॉर्ड टाइमिंग हो सकता है गाइस, इन्होंने जो भी विश किया है या फिर ये जो भी चाहते हैं यूनिवर्स इन्हें वो देने वाला है, जो आप लोगों के लिए एक यूनियन को पॉसिबल कर सके। ऑलराइट गाइस, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। Stay positive, stay safe. God bless you all. Take care. Bye-bye.